के एनीवी थाना क्षेत्र के एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट नगर के चोर सुने मकान से 1,00,000 रुपए की नकदी व जेवर चोरी कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया। घटना के दौरान परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, पीछे से चोर ताले तोड़कर माल पार कर ले गए। एनीवी एक्सटेंशन निवासी किशन सैनी ने बताया कि वे दिल्ली गए हुए थे। घर की महिलाएं, बाजार व छोटा भाई, पिताजी अपने काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। पत्नी सावित्री जब बच्चों के साथ घर पहुंची तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर कमरे में जाकर देखा तो अलमारी सहित घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था। किशन ने बताया कि घर से करीब 1,00,000 रुपए नगद, सोने के 2 जोड़ी कुंडल, 1 सोने का टीका, बच्चों के चांदी के सामान, चांदी के सिक्के सहित अन्य छोटे मोटे सामान नदारद मिले। घटना की जानकारी एनएबी पुलिस को दी गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पड़ताल व मामले की जांच कर रही है। मैं तो बाहर गया हुआ था दिल्ली, तो मेरे पास करीब 5:30 बजे इनका फोन आया कि घर में ऐसे ऐसे ये मार्केट गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने, और फोन आया इनका कि पीछे से चोरी हो गई है। तो मैंने इनसे पूछा क्या है, तो छोटे वाले के पास जो छोटा भाई है उसने 1,00,000 रुपये कैश रखा हुआ था, जो 40,000 तो मेरे बड़े साले ने दिया है अभी कल ही, और 50,000 रुपये की कमेटी छुड़ाई थी, 10,000 रुपये मैंने ला के दिए, और बाकी के 2 इनके कानों के हैं और 2 टीके हैं और छोटे मोटे बच्चों के चांदी वंदी का आइटम है। ये दो अंगूठी। ये घटना कब की है? ये आज 3 बजे मेरे पापा लॉक लगा के गए हैं घर से, 3:30 बजे, उसके बाद की घटना है। क्या नाम है आपका? किशन कुमार सैनी।